नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यव्रत सॉन्ग राइटर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गाना लिखने का तरीका, यानी गाना लिखने का सही तरीका, यानी गाना कैसे बिल्कुल सही से लिखा जाता है, वही बात मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कमेंट शेयर लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाना लिखने का सही तरीका दोस्तों कैसे लिखा जाता है, देखिए जैसे लिखा है, मेरे दिल में हमेशा रहना। यदि यही बात आपको चार बार कहना है शब्द को उल्टा पलटा करके, बात तो वही कहेंगे मगर शब्द को इधर उधर करके बोलना है आपको, तो किस प्रकार से आप बोलेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है मेरे दिल में हमेशा रहना, ठीक, मेरे दिल में हमेशा, ये जो है लिखा आपसे मेरे दिल में हमेशा रहना, हम इसको चार बार बोलेंगे। देखिए जैसे लिखा है मेरे दिल में हमेशा रहना और हमेशा रहना दिल में मेरे, ठीक वही बात मैं बोल रहा हूँ मगर शब्द को इधर उधर। अब यहाँ पे मैंने बोला हूँ दिल में रहना मेरे हमेशा, ठीक। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वही चीज़, हमेशा रहना मेरे दिल में। तो यदि दोस्तों आप जब भी गाना लिखिए, जैसे मेरे दिल में हमेशा रहना, ठीक, तो दूसरी लाइन में लिखा मैंने लिखा है और रानी मुस्कुराती रहना। यदि आपने मेरे दिल में हमेशा रहना और यहाँ से जुड़ना चाहिए, अगर आप ये नहीं जोड़ पा रहे हैं मान लीजिए दूसरी लाइन में, तो आप कैसे जोड़ेंगे। जैसे लिखा हमेशा रहना दिल में मेरे, ठीक है, बात वही मैं बोल रहा हूँ मगर शब्द को इधर उधर करके बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि आप जोड़ नहीं पा रहे हैं दूसरी लाइन में, हो सकता हो कि आप मेरे से जोड़ सकते हैं, तो ठीक है। तो दूसरी लाइन में किस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे लिखा है तेरे संग लूँगा सात फेरे, हमेशा रहना दिल में मेरे तेरे संग लूँगा सात फेरे, ठीक है दोस्तों। यदि आप मेरे से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो पहले वाले लाइन को फिर शब्द को इधर उधर करिए, जब अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं, जैसे मैं किया हूँ, देखिए फिर वही बात मैं वही बोल रहा हूँ मगर शब्द को इधर उधर किया हूँ। देखिए जैसे लिखा है दिल में रहना मेरे हमेशा, ठीक है दोस्तों, यही बात यहाँ पर देखिए लिखा गया, हमेशा रहना दिल में मेरे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ दिल में रहना मेरे हमेशा, ठीक है, बात तो वही हो रही है। तो देखिए मैं कैसे इसे जोड़ा हूँ, तुझे देखता हूँ रोज़ है मेरा पैसा, दिल में रहना मेरे हमेशा, तुझे देखता हूँ रोज़ है मेरा पैसा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने जोड़ा। आप भी जब भी गाना लिखे तो पहले लाइन लिख कर उसके बाद एक बार देख लीजिए कि इनमें से कौन से शब्द से मैं मैच करा सकता हूँ, तो वही शब्द आप क्या करिए लास्ट में रख लीजिए, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाया हूँ जोड़कर, बाकी आपको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जिससे आपको लगे कि मैं इस शब्द से दूसरी लाइन में जोड़ सकता हूँ तो वही शब्द आप क्या करिए। जैसे यहाँ पर लिखा है हमेशा रहना मेरे दिल में, ठीक है, मान लीजिए इसमें लिखा है दिल में रहना मेरे हमेशा, अब मैं जोड़ पाऊँगा दिल में से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि हमेशा रहना मेरे दिल में, ठीक, तो इससे हमने जोड़ा, इसीलिए बुलाता हूँ तुझे महफिल में, हमेशा रहना मेरे दिल में इसीलिए बुलाता हूँ तुझे महफिल में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ऐसे जोड़ा। आप भी दोस्तों अगर गाना लिख रहे हैं तो मैचिंग नहीं करा पा रहे हैं तो शब्द को उल्टा पलटा करके उसके बाद दूसरा लाइन लिखिए, जैसे कि आपको जैसा लगे कि रहना से आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर रहना मेरे हमेशा दिल में, ठीक है, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ दिल में हमेशा मेरे रहना, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मेरे हमेशा दिल में रहना, ठीक है दोस्तों। तो आपको जैसा जिस प्रकार से लगे कि आप पहले लाइन से कोई भी किसी भी शब्द से आप मैच करा सकते हैं तो उस शब्द को आप लास्ट में करके और दूसरा लाइन लिख दीजिए, तो आपका मैच तुरंत हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।